गुड मॉर्निंग साथियों, सुप्रभात। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और माँ सरस्वती से हम वो शक्ति प्राप्त करते हैं जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ लगातार अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें और एक दिन ऐसा आए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हमने राजपूतों की बात की थी, क्योंकि हम सब या आप सभी को पता है कि राजस्थान के इतिहास में 5वीं सदी से लेकर और जब तक हम स्वतंत्र हुए थे, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो भारत में, चाहे मुगल काल हो, चाहे सल्तनत काल हो, उस समय राजस्थान में एक ही जाति शासन करती थी, उसका नाम था राजपूत। हम जब राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो 19 रियासत पढ़ते हैं, 3 ठिकाने पढ़ते हैं, उनमें से भी 17 रियासतें किसके थी? राजपूतों की रियासतें थी। उस समय राजस्थान के शासन पर किसका आधिपत्य था? राजपूतों का ही था। तो राजस्थान का इतिहास पूरा का पूरा किस पर स्थापित है? राजपूतों पर आधारित है या राजपूतों पर निर्भर करता है। राजपूत इतिहास के अंदर हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर 4 बड़े वंश थे। अजमेर के अंदर चौहान वंश था, जयपुर के अंदर कछवा वंश था, मेवाड़ के अंदर सिसोदिया या गुहिल वंश था और अपने जोधपुर तथा बीकानेर के अंदर राठौड़ वंश था। और वैसे बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर भाटी वंश था, जैसलमेर के अंदर भी भाटी वंश था, करौली के अंदर यादव कुल था। इस प्रकार अनेक प्रकार के छोटे छोटे राजवंश भी राजस्थान के अंदर शासन कर रहे थे। अब हम आज से हम राजस्थान के 4 बड़े राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके अलावा जो और भी छोटे मोटे राजवंश हैं उनकी भी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। जो भी एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उन सब टॉपिकों के ऊपर हम लगातार चर्चा करेंगे, चाहे वो कोई सा भी वंश हो, किसी भी प्रकार का कोई भी वंश हो। कल हमने पढ़ा था चौहान वंश। चौहान वंश की हमने उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और चौहान वंश की जो उत्पत्ति थी वो पृथ्वीराज राशों के अनुसार अग्निकुंड से मानी गई थी। इसके अलावा वशिष्ठ जी की आंख से भी मानी गई थी और वशिष्ठ जी की आंख से मानने वाला कौन सा था? सुंदा माता अभिलेख, जो कहाँ पे है? जालौर में है। इसके अलावा डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने क्या माना था? सूर्यवंशी माना था। इसके अलावा बिजोलिया के शिलालेख ने वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना था, जिसको सत्यनिष्ठ किसने बताया था? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया था। इस प्रकार हमने कल चौहानों की उत्पत्ति की बात कर ली थी। सर्वमान्य मत था वो कौन सा माना गया था? चंद्रवरदाई वाला ही सर्वमान्य मत माना गया था। इसके बाद में हमने राजस्थान में चौहान थे कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले सांबर आए, सांबर से अजमेर गए और अजमेर से ही पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र गोविंदराज कहाँ पे? रणथंबोर में गया। मतलब सांबर से अजमेर और अजमेर से कहाँ पर? रणथंबोर। तो 3 तो ही हो गए। इसके अलावा सांबर में एक शासक आया था वाकपतिराज, उसका पुत्र था लक्ष्मण। लक्ष्मण यहाँ से पाली नाडोल चला गया था, नाडोल, और दूसरी शाखा नाडोल गई और नाडोल से भी 2 भागों में विभाजित हो गई। एक तो सिरोही के देवड़ा हो गए और दूसरे जालौर के सोनगरा हो गए। इस प्रकार हम कुल 6 प्रकार के राज 6 प्रकार के चौहान राजस्थान के अंदर पढ़ेंगे। सांबर पढ़ेंगे, सांबर के अलावा अपने अजमेर पढ़ेंगे, उसके अलावा रणथंबोर पढ़ेंगे, नाडोल पढ़ेंगे, जालौर पढ़ेंगे और सिरोही के देवड़ा चौहान पढ़ेंगे। आज हम सांबर के चौहानों की चर्चा करेंगे कि सांबर के चौहानों का सहस्थापक कौन था, इसके अलावा कितने शासकों ने सांबर के अंदर शासन किया था, उसके बाद में कितने शासकों ने अजमेर के अंदर शासन किया था, रणथंबोर में कौन था प्रमुख, नाडोल में प्रमुख कौन था, जालौर में प्रमुख कौन था और सिरोही के अंदर प्रमुख कौन शासक थे। तो जो भी चौहान वंश की प्रमुख प्रमुख जानकारी प्रदान करने वाले जितने भी स्रोत हैं, जितने भी पुस्तकें हैं, उन सब पुस्तकों के बारे में भी हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चौहान वंश से बार बार बहुत प्रकार के प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और पूछे भी जाने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहले हम बात करेंगे चौहान वंश। चौहान वंश और चौहान वंश में आज हम जहां से शुरुआत कर रहे हैं, पहला है सहस्थापक या सहस्थापक, या इसको चौहान वंश का क्या कहा जाता है? आदि पुरुष भी कहा जाता है। ये था अपने वासुदेव। अब इस वासुदेव के बारे में देखना भाई, कहते हैं कि ये वासुदेव था ना, वासुदेव ये उस समय भारत के अंदर या उत्तर भारत के अंदर एक वंश शासन कर रहा था, गुज्जर प्रतिहार। और ये वासुदेव इस गुज्जर प्रतिहार वंश का क्या था? एक सामंत था। क्या था? सामंत था। और इन्हीं गुज्जर प्रतिहारों के अधीन रहते हुए इस वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर, ये हम राजस्थान मानेंगे और राजस्थान के अंदर यहां पर हम मानेंगे सांबर,
इस सांबर नामक स्थान मान लो, या इस स्थान का नाम सपाद लक्ष मान लो, इस सपाद लक्ष नामक स्थान पर कौन से वंश की नींव रख दी? चौहान वंश की नींव रख दी। इस स्थान पर नींव रखने के बाद और पास में ही यहाँ पे एक स्थान था जिसका नाम था उस समय अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर, इस अहिछत्रपुर को अपनी क्या बना लिया? राजधानी बना लिया। इस बात की जानकारी कहाँ पे मिलती है? वो मिलती है बिजोलिया शिलालेख में। कहाँ पे मिलती है? बिजोलिया शिलालेख। और ये बिजोलिया शिलालेख कहाँ पे मिलता है? भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के अंदर मिलता है। जैन व्यापारी लोलाक ने इसको बनाया था। ये बिजोलिया का जो शिलालेख है ये वासुदेव के बारे में। ये बिजोलिया का शिलालेख तो एक बात और भी कहता है कि इस सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव ने करवाया था। हालांकि सांबर झील क्या है? ये प्राकृतिक झील है। क्या है? प्राकृतिक झील है। तीन जिलों के अंदर आती है ये, सबसे ज्यादा आती है जयपुर के अंदर, उसके अलावा थोड़ा सा भाग इसका आता है अजमेर के अंदर आता है, और थोड़ा सा पार्ट इसका कहाँ पे आता है? नागौर के अंदर आता है। नमक उत्पादन पूरे भारत का कम से कम 7.8% नमक इसी झील से उत्पादित किया जाता है। इसके ऊपर राष्ट्रीय सांबर साल्ट लेक फार्म की भी यहाँ पर स्थापना हो चुकी है। तो ये अहिछत्रपुर था। अब देखो इस अहिछत्रपुर की बात करें तो ये इधर देखेंगे तो अपना बीकानेर था, और इस बीकानेर को प्राचीन काल के अंदर जंगल प्रदेश कहते थे। क्या कहते थे? जंगल प्रदेश कहते थे। और उस समय जब ये जंगल प्रदेश हुआ करता था महाभारत काल में, उस समय इस जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी। ध्यान रखना दोस्तों, जब जंगल प्रदेश हुआ करता था तब उसकी राजधानी अहिछत्रपुर हुआ करती थी, और जब चौहानों ने सांबर या सपादलस या सवा लाख गांवों का समूह है इसके अंदर जब चौहान वंश की नींव रखी तो इसकी राजधानी भी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। तो याद रखना अहिछत्रपुर दो स्थानों की राजधानी, महाभारत काल में जंगल प्रदेश की और चौहान वंश के अंदर सांबर की जानकारी रही थी। ये जो वासुदेव की जानकारी है गुजर प्रतिहार वंश वाली, सांबर के अंदर उसने चौहान वंश की नींव रखी थी, चौहानों का आदि पुरुष कहलाता है 551 वाली, ये बात एक व्यक्ति और भी कहता है जिसका नाम है राजशेखर। और राजशेखर की पुस्तक है, क्या नाम है उसका? प्रबंध कोश। क्या नाम है? प्रबंध कोश। तो ये तो हो गई सहस्थापक चौहान वंश के सहस्थापक। किसके सामंत थे बाई चांस पूछते तो बता देना, गुज्जर प्रतिहार वंश के सामंत थे। स्वतंत्र राजा नहीं था वासुदेव, स्वतंत्र राजा नहीं था। इसने गुज्जर प्रतिहारों के अधीनता में ही सांबर के पास चौहान वंश की नींव रख दी थी। बिजोलिया शिलालेख कहता है ये बात, और राजशेखर के प्रबंध कोश कहता है। बिजोलिया शिलालेख तो यहां तक भी कहता है कि इस झील का निर्माता भी कौन है? अपना वासुदेव है। वासुदेव के बाद में अब शासक पढ़ेंगे हम तीन चार लगातार जो इस वंश से रिलेटेड हैं। मूल यही था, नॉर्मल प्रश्न यहां से पूछा जाता है। अब हम यहां पर शासक पढ़ेंगे जो चौहान वंश के लिए कुछ ना कुछ कार्य करते गए थे। पहला पढ़ेंगे हम दुर्लभ राज के बाद में दूसरा पढ़ेंगे हम गुवक के बाद में हम तीसरा पढ़ेंगे हम चंदन राज के बाद में हम चौथा यहां पर शासक पढ़ेंगे जिसका नाम है वाकपति राज। नॉर्मल सी जानकारी लेंगे इन सब के बारे में। पहला है दुर्लभ राज। देखो इस दुर्लभ राज के समय इस चौहानों के ऊपर क्या हुआ था? मुसलमानों ने आक्रमण किए थे, यानी कि विदेशों आक्रमण हुए थे। कौन से आक्रमण हुए थे? विदेशी। ये दुर्लभ राज जो प्रतिहार है ना, प्रतिहार, वो प्रतिहार था उस समय वत्स राज। ये वत्स राज का सामंत था, मुसलमानों के आक्रमण हुए। ये था यहां पर भारत के अंदर राजस्थान, और यहां पे बंगाल के अंदर एक शासन था बंगाल, और बंगाल के अंदर पाल वंश का शासक था, और पाल वंश का शासक था धर्मपाल। इसने धर्मपाल को क्या किया था? पराजित किया था। किसको पराजित किया था? धर्मपाल को। अगर पूछ ले कि दुर्लभ राज का समकालीन प्रतिहार शासक कौन था? वत्सराज था। दूसरे नंबर पे बात करेंगे गुवक। इस गुवक को एक उपाधि थी वीर राजा की। किसकी उपाधि थी? वीर राजा के नाम से जाना जाता था। और इस समय जो प्रतिहार शासक था गुवक के काल में, वो प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय। बहुत बार पूछा जा चुका है
नागभट्ट द्वितीय प्रतिहार शासक था, उसका क्या था, एक मंत्री भी कहते हैं। देखो स्वतंत्र नहीं थे चौहान यहां तक। अब हम बात करेंगे, इस गुवक ने सिक्कर के अंदर हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? हर्ष मंदिर का, क्योंकि ये गुवक क्या था, शिव भगत था। क्या था? शिव भगत था एकमात्र। और ये हर्षनाथ मंदिर भी किसका मंदिर है? शिव मंदिर ही है, याद रखना। और राजस्थान के अंदर एकमात्र मंदिर है जिसके अंदर किस प्रकार की मूर्तिमा है, लिंगोद्भव प्रतिमा बनी हुई है, जिसके अंदर शिव जी की लिंगोद्भव प्रतिमा बनी हुई है। अब देखो चंदन राज आता है, ये चंद्रराज, अब एक चीज साथ ही बता देता हूं मैं, इस हर्षनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, हालांकि बाद में शासक आएगा, जीर्णोद्वार सिंहराज ने करवाया था। किसने करवाया था? सिंहराज ने करवाया था, बनाया गुवक ने था, और जीर्णोद्वार सिंहराज या सिद्धराज ने करवाया था, शिव भगत थे। चंदन राज, इस चंदन राज ने, ये जो सांबर के अंदर था, ये जो शासन यहाँ सांबर के अंदर था, इसको अजमेर पुष्कर की तरफ ले गए, ये मतलब अपना जो स्थान था ना, स्थान वो थोड़े समय के लिए कौन सा बनाया था इसने, मतलब पुष्कर रहना सहना शुरू किया था, बाकी कुछ नहीं किया था इसने। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था आत्म प्रभा, या इस आत्म प्रभा का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, रुद्राणी बोल सकते हैं। और इस आत्म प्रभा या रुद्राणी को एक रोग था, काल सृप रोग, और इस काल सृप रोग से छुटकारा प्राप्त करने के लिए ये प्रतिदिन 1000 दीपक जलाती थी। कितने दीपक जलाती थी? 1000 दीपक जलाती थी। और कहाँ पे जलाती थी वो? पुष्कर जेल में। प्रश्न पूछा गया है, आत्म प्रभा या रुद्राणी किसकी पत्नी थी, या किसकी पत्नी पुष्कर के अंदर 1000 दीपक जलाती थी, या 1000 दीपक जलाने वाली चौहान वंश की रानी का क्या नाम था? वाकपति राज। इसने 168 युद्धों के अंदर भाग लिया, सॉरी 188 युद्धों का नेतृत्व किया था इसने। हालांकि दो वीर और भी है राजस्थान के, एक तो जयपुर का शासक था जिसका नाम था मान सिंह। ये मान सिंह अकबर की सेना के अंदर सबसे बड़ा मनसबदार था, अकबर के लिए ये क्या क्या करता था, युद्ध अभियान किया करता था, और इतने युद्ध अभियान किए कि राजस्थान में सर्वाधिक इसी के, कितने, 67, या फिर चौहान वंश के अंदर है किसके, 188। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जोधपुर का राजा था हसमत वाला शासक मालदेव, और इस मालदेव ने कितने किए थे, 47 अभियान किए थे। कितने अभियान किए थे? 47 अभियान किए थे। वाकपति राज के बारे में देखा हमने, युद्धों के कारण जाना गया था। चंदन राज के बारे में देखा हमने, गुवक के बाद में वीर राजा प्रतिहार राज शासक नागभट्ट द्वितीय, सिक्कर हर्ष मंदिर शिव जी का भगत था, और हर्ष मंदिर में भी किसकी प्रतिमा है, शिव की ही प्रतिमा है। दुर्लभ राज चौहानों मुसलमानों के विदेशी आक्रमणों रोका, प्रतिहार शासक वर्ष राज का समकालीन था। पश्चिमी बंगाल के शासक धर्मपाल को इसने क्या किया था, पराजित किया था। चौहान वंश में अगला हम शासक पढ़ेंगे वो है अपना सिंहराज, और सिंहराज का सिर्फ इतना ही काम है, इसने इस मंदिर का क्या करवाया था, जीर्णोद्वार करवाया था। देखो अब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रतापी शासक नजर नहीं आया। पहला जो प्रतापी शासक नजर आएगा वो है विग्रहराज द्वितीय। हालांकि दो शासक हमेशा चौहान वंश के आप याद रखना, विग्रहराज सेकंड और विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को विश्वल देव के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे विग्रहराज, और ये विग्रहराज कौन सा पढ़ेंगे, विग्रहराज द्वितीय पढ़ेंगे। विग्रहराज द्वितीय के बाद में एक शासक पढ़ेंगे नॉर्मल सा, जिसका नाम है पृथ्वीराज, और ये पृथ्वीराज कौन सा है, फर्स्ट है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट शासक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अजयराज या अजयपाल, अजयराज या अजयपाल पढ़ेंगे। पहले हम विग्रहराज द्वितीय के बारे में देखते हैं। ये विग्रहराज द्वितीय जब यहाँ का शासक था, तो ये जो अपना गुजरात लगता है नीचे राजस्थान की, इस गुजरात के अहिनल पाटन का एक शासक था, और उस अहिनल पाटक के शासक का नाम था मूलराज। प्रश्न पूछा भी गया अभी, मूलराज द्वितीय। इस विग्रहराज चतुर्थ के काल के अंदर ये चालुक्य थे ना, चालुक्य, ये चौहानों के अधीन थे।
चौहानों को ये अपनी सुरक्षा के बदले में टैक्स दिया करते थे। मूलराजदित्य जब चालुक्य शासक बना तो इस चालुक्य शासक ने टैक्स देने से मना कर दिया। विग्रहराज ने इसके ऊपर आक्रमण किया, इसको पराजित किया और टैक्स देने के लिए क्या कर लिया, बाध्य कर लिया। तो विग्रहराज सेकंड को हम देखें तो प्रथम प्रतापी शासक था, कौन से वंश का, चौहान वंश का। इसको पराजित करने के बाद में यही गुजरात के अंदर जो भड़ोच नामक स्थान है उस भड़ोच के अंदर एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम है आशापुरा माता मंदिर। क्या नाम है, आशापुरा माता मंदिर। जालौर के जो चौहान है ना, जालौर के जो चौहान हैं, उन जालौर के चौहानों की जो कुल देवी है वो आशापुरा माता है। तीन चीज देखना भी, जीण माता, एक है शाकंभरी माता और तीसरी है आशापुरा माता। आशापुरा माता जालौर के चौहानों की कुल देवी है, शाकंभरी माता जो सांबर हम पढ़ रहे हैं उसकी है, और जो अजमेर के पढ़ेंगे ना उसके बाद में उनकी कौन सी है, जीण। तो तीनों अलग अलग है, तीनों चौहानों की है और तीनों अलग अलग चौहानों की है। विग्रहराजदित्य प्रथम प्रतापी शासक बना था, अहिल्ला पाटिल के शासक मूलराजदित्य को पराजित करके उसको टैक्स लिया था। इसके अलावा भड़ोच के अंदर किसका मंदिर बनवाया था इसने, आशापुरा माता, जो जालौर के चौहानों की कुल देवी है। पृथ्वीराजदित्य, पृथ्वीराज फर्स्ट, अब थोड़ी सी चीज समझने का प्रयास करना है। पृथ्वीराज फर्स्ट ये है यहाँ पर सांभर, और ये सांभर के पास यहाँ पे क्या पड़ता है, अजमेर। हालांकि ये अजमेर था नहीं उस समय, सांभर में पृथ्वीराज फर्स्ट शासक था। पृथ्वीराज के बाद में इसका बेटा अजयपाल बना। ये अजय राज या अजयपाल ये बना था 1105 ईस्वी में। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, ये 1105 ईस्वी में यहाँ पे शासक बना था। ये 1105 ईस्वी में यहाँ पे शासक बनने के बाद में इसके मन के अंदर साम्राज्य विस्तार की इच्छा उत्पन्न हुई, और ये साम्राज्य विस्तार की इच्छा के कारण इसने 1113 के अंदर और इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया और इसको अपने अधीन कर लिया। दोबारा देखो, मैं फिर बताता हूं तुम्हें, पृथ्वीराज फर्स्ट का कोई रोल नहीं है, इतना ही रोल है कि सांभर के जो चौहान थे उसके अंदर ये अंतिम शासक था, और सांभर के बाद इसका जो पुत्र आया था वो अजयराज, वो कहां पे चला गया था, अजमेर चला गया था। सिर्फ इस पृथ्वीराज का इतना ही रोल देखना आप, अगर पूछ ले ऑप्शन में अगर ये हो अंतिम शासक में तो ये होगा। देखो किस प्रकार होगा, ये अपना सांभर है, ये अपना अजमेर है, यहाँ पे है पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज फर्स्ट का शासन पूरा हो गया और इसका पुत्र ये अजयराज शासक बन गया, अजयराज शासक बन गया। अब ये अजयराज 1305 से लेकर 1311 तक तो यहाँ पर ही शासन करता है सांभर में, और 1311 में ये कहाँ पे चला जाता है, अजमेर चला जाता है। तो इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज फर्स्ट भी मान सकते हैं, या अजमेर के चौहानों का संस्थापक पृथ्वी अजयराज को माना जा सकता है, और सांभर के चौहानों का अंतिम शासक भी अजयराज। तो अजयराज दोनों जगह आ सकता है, सांभर के चौहानों का अंतिम और अजमेर के चौहानों का संस्थापक, तो ये अजयराज है। अगर सांभर के चौहानों के अंतिम पूछे और अजयराज नाम न हो तो आप किसको करोगे, पृथ्वीराज फर्स्ट को करोगे, क्योंकि ये पृथ्वीराज फर्स्ट का ही क्या था, ये पुत्र था। तो अब पढ़ेंगे हम अजयराज को, हालांकि इंपॉर्टेंट है अजयराज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अजयराज का शासनकाल पढ़ेंगे 1305 से लेकर 1333 तक। हुआ देखो क्या था इंपॉर्टेंट, इसके काल के अंदर क्या था, यह है सांभर और ये है यहां पर अजमेर, यहां का शासक कौन है, अजयराज। अब अजयराज इस जगह को छोड़कर साम्राज्यवाद की नीति आ जाती है, और इस साम्राज्यवाद की नीति प्रथम साम्राज्यवादी शासक चौहान वंश का तो अजयराज आएगा, और ये बात कौन कहता है, ये बात कहता है गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा कहता है कि चौहानों के अंदर अगर किसी शासक ने साम्राज्यवादी नीति सर्वप्रथम अपनाई तो वो कौन था, अजयराज। और इसी साम्राज्यवाद की नीति के कारण
इसने इस क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र पर आक्रमण किया, इस अजमेर को इसने विजेता बन गया था। अजमेर का क्या बन गया था? विजेता। और यहाँ पर एक नगर बसाया था और उस नगर का क्या नाम था? अजयमेरू। और ये अजयमेरू कब बनाया था? 1113 ईस्वी के अंदर एक दुर्ग भी बनवाया था जिसका नाम था अजयमेरू। और इसको क्या बनाया था? चौहानों की राजधानी। क्या बनाया था इसको? चौहानों की राजधानी बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो आक्रमण ही हो गया, एक इसके अलावा कहते हैं कि गुजरात का शासक था नरवर्मन, उस नरवर्मन को भी इसने क्या किया था? पराजित किया था। इसके अलावा कहते हैं कि चौहानों के अंदर सर्वप्रथम जो सिक्के चलाए थे वो सिक्के इसी ने चलाए थे, चांदी के थे और तांबे के थे। इसके अगर हम सिक्के की बात करें स्पेशल, तो इसके सिक्के के ऊपर इसकी एक रानी थी, उस रानी को सोमल देवी भी बोल सकते हैं हम, और सोमल देवी न बोले तो दूसरा नाम उसका सोमलेखा मिल सकता है। सोमल देवी तथा सोमलेखा का चित्र मिलता है। इसके अलावा इसका स्वयं का चित्र भी मिलता है, और स्वयं का जो चित्र है वो किसके नाम से मिलता है? श्री अजय देव के नाम से मिलते हैं। इस अजय पाल के ये जो सिक्के ना सिक्के मिले कहाँ से हैं? ये वर्तमान में मथुरा से मिले हैं। याद रख लेना भाई, कहाँ से मिले हैं? मथुरा से इस अजय राज के ये सिक्के मिले हैं। अजमेर को इसने बसाया था, अजयमेरू दुर्ग भी इसने बताया था, इसने सिक्के भी चलाए थे, चौहानों का प्रथम साम्राज्यवादी शासक भी यही था, अजमेर के चौहानों का संस्थापक भी यही था, अजमेर को चौहानों की पहली राजधानी भी इसने बनाया था। तो ये सब जो श्रेय है वो किसको जाता है? अजय राज को जाता है। और अजय राज ने अपने अंतिम दिनों के अंदर जो कोकण तीर्थ स्थल, और ये कोकण तीर्थ स्थल का मतलब पुष्कर के अंदर क्या की थी? तपस्या भी की थी। इसके अलावा ये अजय राज शिव भगत था। शिव भगत के अलावा अजय राज धर्म सहिष्णु व्यक्ति भी था। धर्म सहिष्णु किस प्रकार था बताता हूं। इसने एक जैन मंदिर था अजमेर के अंदर, और वो जैन मंदिर था पार्श्वनाथ का, और उस पार्श्वनाथ के जैन मंदिर के अंदर इसने एक सोने का कलश चढ़ाया था, सोने का कलश चढ़ाया था। इसके अलावा ये जैन दो शाखाओं में थे, एक तो था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। इस श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था, और उस प्रतियोगिता की अध्यक्षता भी किसने की थी? अजय राज ने की थी। तो धर्म सहिष्णु भी था, नगर भी बसाया था, आक्रमण भी किए थे, अजमेर नगर की भी इसने क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी के पुत्र का नाम था अन्नाजी। क्या नाम था इसी के पुत्र का? अन्नाजी नाम था। अन्नाजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के शासकों के अंदर। अन्नाजी को भी खूब पढ़ा जाता है, अर्णो राज के नाम से जिनको जाना गया है। अर्णो राज की में एक सीधा सा प्रश्न जो पूछा जाता है, इसके दरबार में दो लेखक थे, देवबोध और धर्मघोष। याद रखना भी, देवबोध और धर्मघोष दोनों ही पूछे जा चुके हैं, किसके दरबारी थे? तो वो अर्णोराज के थे। दूसरी बात, अर्णोराज का एक पुत्र था जिसका नाम था जगदेव, या जगदेव ना आए तो जगमाल, हालांकि पहले आएगा कौन सा? जगदेव ही। उस जगदेव ने अंतिम समय में अर्णोराज की हत्या कर दी थी। चौहान वंश का पितृहंता शासक कौन कहलाता है? जगदेवी कहलाता है अर्णोराज, अर्णोराज या अन्नाजी के नाम से जाना जाता है। और 1133 से लेकर 1150 तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था। इनकी उपाधि थी परम भट्टारक। याद रखना भाई, पूछी गई हैं परमेश्वर महाराजा धीराज, तीनों उपाधियां पूछी गई है, परम भट्टारक परमेश्वर और महाराजा धीराज। इनके पिता थे, पिता का आपको भी पता है कौन था? अजयराज। इनका अर्णोराज की जो पत्नी थी उनका नाम था कंचन। ये राजा जय सिंह की क्या थी?
पुत्री थी भी। इसके अलावा इसकी हम बात करें तो इनके हम युद्धों की बात करें तो एक तो युद्ध है 1137 में इसने तुर्कों को पराजित किया था, और तुर्कों को पराजित करने के बाद में उस तुर्कों का जहाँ पे रक्त बहा था उस रक्त की सफाई के लिए इन्होंने कौन सी झील बनाई थी, आना सागर झील बनाई थी। हालांकि आना सागर झील बाद में पड़ेंगे। दूसरा युद्ध, एक शासक था गुजरात का और उसका नाम था कुमारपाल। उस कुमारपाल ने इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण कहाँ पे किया था, आबू क्षेत्र के अंदर, और वहां पे पराजित कौन हुआ, याद रखना भी अन्ना जी पराजित हुआ था। और ये जो जयसिंह था ये कुमारपाल का भाई था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई कौन से चालुक्य शासक ने अन्ना जी को पराजित कर दिया था। इसके बाद में इसके जो निर्माण कार्य पढ़ेंगे हम, निर्माण कार्य में एक तो झील पढ़ेंगे आना सागर झील, और ये आना सागर झील है ना, ये बांडी नदी, अगर बांडी नहीं हो तो दूसरा कौन सा हो, चंद्रा नदी, और ऑप्शन में दोनों हो तो आप चंद्रा नदी करना। चंद्रा नदी के जल को रोककर इसका निर्माण करवाया था, और रोककर इसलिए करवाया था कि जो तुर्कों के रक्त से रक्तरंजित भूमि थी उसकी सफाई करने के लिए इसने आना सागर झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। तो आना सागर झील का आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इस आना सागर झील के पास ही दो शासक देखना भी, एक तो जहांगीर और एक है शाहजहां। कई बार पूछ लेते हैं भाई इसे आना सागर झील के पास इस जहांगीर ने तो शाही बाग या जिसे दौलत बाग सब नाम देख लेना भाई, या जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था, सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया था। और जो सर टॉमस रॉया था अंग्रेज अधिकारी, टॉमस रो आया था अंग्रेज अधिकारी जहांगीर से मिलने, वो बीसी शाही बाग दौलत बाग तथा सुभाष उद्यान में बना था। इसके अलावा जहांगीर की पत्नी जो नूर जहां है, और नूर जहां की माता जो असमत बेग है, जो भारत के अंदर सर्वप्रथम इत्र का आविष्कार किया था, इसी असमत बेग ने इसे शाही बाग के अंदर ही इत्र का आविष्कार किया था। इसी शाही बाग दौलत बाग या सुभाष उद्यान के पास 5-12 खंभों की क्या बनी हुई हैं, 12 दरिया बनी हुई हैं, और इन 12 दरियों का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। तो आना सागर झील बांडिया चंद्रा नदी के जल को रोककर तुर्कों के रक्त से रुकित भूमि को साफ करने के लिए किसने इसका निर्माण करवाया था, अन्ना जी ने इसका निर्माण करवाया था। इस आना सागर झील के पास शाहजहां ने शाही बाग दौलत बाग तथा सुभाष उद्यान क्या निर्माण करवाया था। इसी में सर टॉमस रो से जहांगीर की मुलाकात हुई थी। नूरजहां की माता जी असमत बेग ने यहीं पर क्या किया था, इसी के अंदर रहते हुए इसने क्या किया था, अपना इत्र का आविष्कार किया था। और इसी के पास शाहजहां ने 5-12 खंभों की 12 दरियों का निर्माण करवाया था। इसके अलावा बात करें तो अर्णोराज ने एक मंदिर भी बनाया था, वराह मंदिर। और वराह मंदिर का मतलब ये था अपने विष्णु जी का, मतलब विष्णु का भगत था ये। और इस विष्णु जी की मूर्ति को बाद के में किसने, जहांगीर ने कहां पर फेंका दिया था, तालाब के अंदर फिकवा दिया था। तो याद रखना वराह मंदिर यानी कि विष्णु जी का मंदिर अन्ना जी अर्णोराज ने बनवाया था, कहाँ पर है ये, पुष्कर के अंदर स्थित है। और बाद में इसकी मूर्ति को तालाब के अंदर, पुष्कर तालाब के अंदर किसने फकवा दिया था, जहांगीर ने। तो यह अपना अर्णोराज, इसका इम्पोर्टेंट चीज देखें तो इसके दो दरबारी कवि थे, देवबोध और दूसरे का नाम था धर्म घोष। देवबोध और धर्म घोष, दोबारा देखो अर्णोराज अन्ना जी 1133 से 1150 परम भटारक परमेश्वर महाराजा धीराज तीनों पूछी गई है भाई। इसके बाद में पिता अजय राज था, पत्नी कंचन थी जयसिंह की पुत्री, ये चालुक्य शासक जयसिंह था, युद्ध किया था 1137 में तुर्कों को पराजित किया था, और गुजरात शासक कुमारपाल से ये स्वयं क्या हो गए थे, पराजित हो गए थे। अब्बू के पास में क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था।
अनासागर झील का निर्माण बांडिया चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था, जहां पर बाद में जहांगीर ने शाही बाग दौलत बाग तथा सुभाष उद्यान की स्थापना कर दी। इसी शाही बाग दौलत बाग के अंदर बाद में इनकी मुलाकात सर टॉमस रो से हुई थी और नूर जहां की माता असमत बेग ने भी यहीं पर अपने इत्र का आविष्कार किया था और इसके पास ही शाहजहां ने 12 दरियों का निर्माण भी करवाया था। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक ब्राह्म मंदिर विष्णु का मंदिर भी बनाया था, जिसके अंदर विष्णु की प्रतिमा थी। जहांगीर ने उसको क्या कर दिया था, तालाब के अंदर फिकवा दिया था। देवबोध तथा धर्मघोष इसके दो दरबारी कवि थे। इनका जो पुत्र है ना, पुत्र इस अर्णोराज का जो पुत्र है, अर्णोराज के तीन पुत्र थे, वैसे दो की जानकारी मिलती है। अर्णोराज का एक पुत्र था जगमाल, या इसका जो मूल नाम है जगदेव, और दूसरे था विग्रहराज चतुर्थ। हुआ क्या, इस जगमाल ने अर्णोराज की क्या कर दी, हत्या कर दी और ये शासक बन गया 1150 से लेकर 1153। इतिहास के अंदर चौहानों का पितृहंता शासक कौन कहलाता है, जगमाल कहलाता है। जैसे जोधपुर के राठौड़ों में कौन कहलाता है, पितृहंता मालदेव कहलाता है। उसी प्रकार मेवाड़ के सिसोदिया में पितृहंता कौन कहलाता है, उद्दा कहलाता है। उसी प्रकार चौहानों में जगमाल कहलाता है। 1153 में इस जगमाल की कुआदतों के कारण विग्रह राज्य को इसकी हत्या करनी पड़ी और अब बन गया 1153 से लेकर 1163 तक कौन है, विग्रह राज। और विग्रह राज के बाद में कौन आ जाएगा, अपना सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद में कौन आ जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। तो ये पढ़ेंगे हम कल। धन्यवाद साथियों।